हाथों को मालिश करिए और चेहरे को बादल जाओ यहाँ से आप सारे जो रेडी हो याद रखे इस धरती पर किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गॉड की बात कर रहा हूँ, मैं भगवान की बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा किसी का मंदिर है, मूर्त है, हर चौक चौराहे पर, और किसी के घर में भी कैलेंडर मिलेगा और किसी के मुंह पे भी हमेशा और हमेशा बजरंग बली का नाम आता है। सबसे ज्यादा इसलिए आता है, उन्होंने प्रभु राम के चरणों में, प्रभु श्री राम के चरणों में निस्वार्थ भाव से सेवा किया। बाकी हर लोगों को किसी को किसी की पत्नी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ प्रभु राम की सेवा में था। याद रखिए, आप भी स्वार्थ वर्ष नहीं दौड़िए, आप अपना वर्क आउट पूरा करिए। एक नौकरी नहीं, हजार नौकरी आपको मिलेगी। आप काम तो करिए, कार्य तो करिए, लेकिन काम करिए। देने वाला आपको हजार नौकरी मिलेगा, दस नौकरी कम से कम मिलेगा। याद रखो, आप सभी हमारे लिए हनुमान इसलिए हो क्योंकि आपके अंदर भी वो शक्तियां है जो हनुमान जी के अंदर थी, लेकिन बचपन में किसी ऋषि महर्षि का लोटा लोटी उठा के बिक देते थे हनुमान जी बंदर जा, दिक्कत हो गया, उनको श्राप मिल गया कि जब भी
आप अपनी शक्तियों का आह्वान करेंगे, जब आपको आपकी शक्तियों की जरूरत होगी आप शायद भूल जाएंगे। तो डीसी महर्षि ने अपना श्राप नहीं लौटाया, लेकिन एक चीज बोला कि यदि कोई आपकी शक्तियों को याद दिलाएगा, याददाश्त दिलाएगा कि आप ये कर सकते हो, तो आप वो कार्य कर दोगे। अतः जब समुद्र मंथन हुआ तो उनको याद नहीं था कि हम लंका भी पार कर जाएंगे, लेकिन जामोहन जी साथ में थे, उन्होंने बोला कि ये तो छोटा मोटा बात है, हनुमान तो इसी पार हो जाएगा। हनुमान जी को नींद खुला रही सही में, क्योंकि उनको तो श्राप मिला था, तो भूल जाते थे कि हम ये काम कर सकते हैं। उनको जब जब याद दिलाएगा वो हर काम आसानी से करते हैं। अतः आप निगेटिव की दुनिया में, बेरोजगारों की दुनिया में नौकरी बहुत हार्ड बा, लोगों ने इतना चढ़ा बढ़ा दिया है कि शायद आप हनुमान होके भी अंदर से टूट गए हो, लगता है कि नौकरी हुई ना हुई, लेकिन टेंशन नहीं लो, यहाँ पर तुम्हारा जमवंत भाई वो खड़ा है, तुम मेरे हनुमान हो और मैं तुम्हारा जमवंत हूँ, तेरे अंदर शक्तियाँ है, उन शक्तियों से पहचान कराऊंगा बेटा। तू कतना कर दंगी बाग, कतना एक से एक ग्राउंड में जाएगा, 1600 मीटर को धूल चटा देगा और उन लोगों के मुंह पे भी काली पोत देगा जो बोलते हैं तेरे से बेटा कुछ नहीं होगा। तुम हर वो चीज कर सकते हो, तुम्हारे अंदर हर वो कैपेसिटी है, तुम्हारे अंदर हर वो एबिलिटी है जो तुम कुछ भी एक जमीन से इस धरती को मिलाने के तुम्हारे अंदर ताकत है, दोनों को मिला सकते हो, दोनों को गर्जा सकते हो। अतः अपने जोश को कभी ठंडा मत होने देना, हौसले को बना के रखना, कोशिश करना, जीवन में याद रखना कि आप सारे लोग हनुमान हो, आपके अंदर शक्तियां है कि आप दौड़ सकते हो 1600 मीटर। कोई नया पुराना कुछ नहीं होता है, नौकरी चाहिए चाहिए आपके लिए आपका भाई आपके साथ है, जमान जी खड़ा है कि बेटा ऐसे दौड़ ऐसे दौड़ खाली दौड़ते जा, बाकी लंका फतह हो जाएगी, तेरी विजय होगी। बोल भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे, जय श्री कृष्ण।